हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो गया हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल में भी दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज किस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों बियोम एप्लीकेशन लॉगिन कैसे करें, रजिस्टर्ड कैसे करें एंड दोस्तों एक्टिवेट कैसे करें। जी हां दोस्तों, अगर आपका खाता यूनियन बैंक में है और दोस्तों आप बियोम एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, रजिस्टर्ड करना चाहते हो, लॉगिन करना चाहते हो, एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों आधार कार्ड से बियोम एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। एंड दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनल दोस्तों, प्ले स्टोर से आपको बियोम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके दोस्तों ओपन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों ओपन पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी परमिशन रहेगा आप अलाउ कर देना एंड दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। देन दोस्तों प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे बॉक्स पे टिक लग जाएगा। एंड दोस्तों एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों वापस आपको जो भी परमिशन है यहाँ पे अलाउ कर देना। एंड दोस्तों यहाँ पे सिम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी सिम सेलेक्ट करना वही सिम आपका बैंक में दिया हुआ हो और दोस्तों आपके आधार कार्ड से भी लिंक हो, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मोबाइल बैंकिंग और भीम UPI दोनों आप दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, यहाँ पे टिक कर देना दोनों पे। एंड दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों वापस ओके पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आप लोगों के सामने वापस कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप डेबिट कार्ड से रजिस्टर करना चाहते हो या दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग से रजिस्टर करना चाहते हो या दोस्तों आप आधार कार्ड से रजिस्टर करना चाहते हो या ब्रांच से टोकन लेके आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों जैसे आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफाई स्मॉल वैल्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अंक यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे 21 कम है, तो यहाँ पे हम 21 डाल देंगे। एंड दोस्तों 21 डालने के बाद आपको यहाँ पे अब आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट दोस्तों आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। तो फाइनल दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे एंड दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा एंड दोस्तों यहाँ पे एक OTP आपको रिसीव होगा, ओके पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक OTP आ जाएगा आपके आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पे आपको नीचे OTP डालने का ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे इंटर OTP, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना OTP डाल देना, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक रहेगा उसी नंबर पे OTP जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OTP डाल देना दोस्तों। OTP डालने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेट लॉगिन पिन का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे सेट लॉगिन पिन करना है एंड दोस्तों कन्फर्म लॉगिन पिन करना है। दोनों में आपको जो भी पिन डालना है सेम पिन डालना है, कन्फर्म में और सेट में। एंड दोस्तों आपको भूलना नहीं है, वो जो भी पिन डालोगे आपको याद रहना चाहिए। चलिए हम फटाफट डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो भी पिन रहेगा, तो यहाँ पे पिन डाल देंगे दोस्तों। फटाफट यहाँ पे पिन डाल देते हैं एंड दोस्तों पिन डालने के बाद यहाँ पे दो बार पिन डालना है, तो फटाफट हम दो बार पिन डाल देंगे। एंड दोस्तों जो भी पिन आप डालना याद रहे, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद दोस्तों पिन डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लॉग इन पिन सेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये लॉग इन पिन होता है, कभी भी आप बियोम एप्लीकेशन को लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला लॉग इन पिन आपको लगेगा, ठीक है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड दोस्तों अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक OTP और आ चुका है, तो यहाँ पे हम OTP डाल देंगे, इंटर 4 डिजिट पिन रिसीव थ्रू SMS, तो यहाँ पे डाल देंगे ये वाला OTP। वापस एक OTP आएगा आपके नंबर पे, ये जो नंबर बैंक में आपका लिंक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे OTP डाल दिया हमने। अब यहाँ पे दोस्तों सेट ट्रांजेक्शन पिन और दोस्तों कन्फर्म ट्रांजेक्शन पिन, इस दोनों में आपको सेम ट्रांजेक्शन पिन डालना है जो आप मनी ट्रांसफर करने के टाइम यूज कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन डाल देते हैं फटाफट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन दो बार आपको डालना है, तो सेम ट्रांजेक्शन पिन दोस्तों डालना है और आपको भूलना नहीं है, ठीक है। एंड दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आप लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन सेट हो चुका है। एंड दोस्तों प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे
देख सकते हैं बैंक के थ्रू यहाँ पे एसएमएस आ चुका है हमारा, जो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने लॉगिन पिन बनाया दोस्तों, वो वाला लॉगिन पिन हमें यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों लॉगिन पिन डाल के हमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे परमिशन आपको अलाउ कर देना है, जैसे ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लोकेशन वगैरह आपका इनेबल हो जाएगा। एंड दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे लॉगिन पिन डालते ही यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम इज ए टेम्पररी अनेबल, ठीक है। तो आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, तो कट कर देंगे। एंड दोस्तों वापस लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वापस यहाँ पे हम अपना ट्रांजेक्शन लॉगिन पिन डालेंगे और दोस्तों वापस ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे कभी कभी सर्वर का इशू होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है, और अभी पहली बार ओपन किए तो नहीं हुआ, सेकेंड टाइम ओपन किए ओपन हो चुका है। नो पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारा व्योम ऐप जो है दोस्तों ओपन हो चुका है, ठीक है, हमारा व्योम ऐप ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे पासबुक है, पासबुक यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे भीम यूपीआई है, भीम यूपीआई भी आप यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, डेबिट कार्ड का, भीम यूपीआई का। एंड दोस्तों और भी फीचर दिए हुए यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हो, जैसे कि क्रिएट यूपीआई आईडी, जैसे कि यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से भी अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट यूपीआई आईडी आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट यूपीआई आईडी पे दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट दिख जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा यूपीआई आईडी का, तो यही बॉक्स में आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे यूपीआई दिख जाएंगे। यहाँ से दोस्तों कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड दोस्तों प्रोसेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों ओके पे क्लिक कर देना, एंड दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली आपका एक यूपीआई बन जाएगा, भीम यूपीआई, ठीक है। जैसा कि हम भीम ऐप यूज करते हैं उसी तरह का यहाँ पे भीम यूपीआई बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे कर सकते हो, पे टू मोबाइल कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, स्कैन एंड पे कर सकते हो, एंड दोस्तों शेयर क्यूआर कोड भी कर सकते हो। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मनी ट्रांजेक्शन करते हो, यहां से अगर आप मनी ट्रांजेक्शन करते हो भीम यूपीआई के माध्यम से दोस्तों, तो आपको अगर आपने कभी पेटीएम बनाया है या फोन पे बनाया है या गूगल पे बनाया है तो वो वाला ट्रांजेक्शन पिन आपको यहां पे लगेगा अगर आप भीम यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर करते हो। एंड दोस्तों बैक आ जाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे सेंड मनी का ऑप्शन है, सेंड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगर आप यहां से ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो अगर आप यहां से ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको यहां पे जो ट्रांजेक्शन पिन आपने भीम एप्लीकेशन से बनाया है वो ट्रांजेक्शन पिन आपको यहां पे लगेगा। एंड दोस्तों कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया है कैसे आपको पैसा भेजना है, कैसे ट्रांसफर करना है। एंड दोस्तों प्ले लिस्ट में आपको दे दूंगा, भीम एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। एंड दोस्तों वीडियो बनाया है जिससे आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो भीम एप्लीकेशन यूज करने में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।